गाइस स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। और ये जर्नी जो है मैं ये अकेले करने वाला हूँ। भाई धन्यवाद फिर से एक और बार छोड़ने के लिए। आदत है, ऊबर डाउनलोड कर लो भाई। नेक्स्ट टाइम पक्का लेने आना। तो भाई ये है हमारी बस, फटाफट से बोल कर लेता हूँ, लेट हो रहा है क्योंकि। चलो भैया, अभी एक स्टॉप लगा है बीच में, हम लोग रुके हैं। ये पीछे हवेली देख सकते हो मेरे यहाँ पीछे, तो हवेली पे पहला स्टॉप रुका है। बस यहाँ पे आधे घंटे के लिए रुकेगी। एन रूट टू हो रहा है भैया शिमला, ऊपर थंबनेल में पढ़ लिया होगा कहाँ जा रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ शिमला जा रहे हैं, वहाँ तक का रिकॉर्ड रखो, उसके आगे कहाँ जाएंगे वो बाद में बताऊँगा। बहुत लंबी जर्नी है, ऑलमोस्ट 7-8-10 दिन की जर्नी है और काफ़ी दूर तक जाना है भैया। अभी ऐसा मत समझना कि यहाँ से शिमला तक गए तो जर्नी ख़त्म हो जाने वाली है। अभी शिमला तक जर्नी ख़त्म नहीं होगी, बहुत लंबी जर्नी है। पहला स्टॉप शिमला बस, तो उसमें से शिमला भी जाते हुए पहला स्टॉप लगा हमारा मूर्थल में हवेली पे। तो लोग अपना वॉशरूम ब्रेक या फिर अपना खाना वाना जिसको खाना होगा उसके लिए रुके हैं। मेरे को खाना नहीं, मैं घर से खा के आया था। मैं अपना वॉशरूम वगैरह गया, थोड़ा ऐसे ही टहल रहा हूँ। अब वापस चलेंगे, क्या कहते हैं, बस में थोड़े बैठेंगे। नींद मुझे बस में अक्सर आती नहीं है, बाकी देखो इस बार आ जाए तो। और यहाँ पे लाइट बड़ी अच्छी है, तो बाकी चलते हैं। आपको जर्नी तो मैं यहाँ पे रोड वगैरह तो क्या ही दिखाऊँ, रात का टाइम है, रोड वगैरह इतनी अच्छी दिखेगी भी नहीं। और ये रोड में अपना जीबी जर्नी पे और बहुत सारी जर्नी पे ऑलरेडी दिखा चुका हूँ हिमाचल जाते हुए, तो ऑब्वियसली वहाँ नहीं दिखाऊँगा। बट आगे जाके व्यू आएंगे, सुबह जब उठेंगे तब व्यू आएंगे, तब मैं आपसे मिलता हूँ। और चलते हैं स्टॉप। जैसा कि मैंने बताया था शिमला उतर चुके हैं। ये थी हमारी बस और बढ़िया गुडी बैग छोटी बैग मिला यार, हाजमोला एक गोली उल्टी करने वाला बैग। मेरा शायद फर्स्ट या सेकंड टाइम था वॉल्वो से जब मैं ट्रैवल कर रहा था, और बढ़िया सब इम्प्रूवमेंट हो गई है भाई साहब। और ये शिमला का बस स्टैंड है और ये व्यू आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी। अभी सनसेट, अभी सनराइज, सॉरी अभी थोड़ी सी और देर में होने वाला है, धीरे धीरे हो रहा है और इस समय बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। देखना ही, बहुत ज्यादा ठंडा इधर अंदर। मैंने आधी बाजू की पहनी हुई है और उसके ऊपर जैकेट पहनी हुई है ये वाली, और बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है यहाँ पे। अभी ट्रैवलर में जब हम बैठेंगे तब मैं शायद इसके ऊपर, इसके अंदर मतलब, एक और क्लोथिंग पहनूंगा। बहुत ठंड है यार यहाँ पे, मेरे ख्याल से 2 डिग्री या 1 डिग्री है करीब होने वाला है। चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ भाई 1 डिग्री है, पता नहीं देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, 1 डिग्री है। बहुत ज़्यादा ठंड है और फील्स लाइक तो 0 डिग्री होगा यहाँ पे। व्यू बहुत अच्छा है पर हमारा ट्रैवलर हमारा वेट कर रहा है, तो लेट्स गो चलते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट द लास्ट स्टॉप। इसके ऊपर और जा रहे हैं हम लोग, और कहाँ मैं जाने वाला हूँ दैट इज एन अनएक्सप्लोर्ड एरिया। मेरे हिसाब से शायद ही कोई यहाँ पे आप लोगों में से गया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भैया हमने एक स्टॉप ले लिया बीच में और यहाँ से सीधी धूप आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि -4 डिग्री हो रहा है भाई यहाँ पे और धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। हम रुके हैं यहाँ पे श्याम रेजेंसी में,
ये वाला रेस्टोरेंट है, थोड़ा वॉशरूम वगैरह जाएंगे और यहाँ पे हमारा स्टॉप है ब्रेकफास्ट के लिए, एंड ब्रेकफास्ट करेंगे। तो इस ट्रिप पे शायद मैंने ना बताया हो या बताया हो, इस ट्रिप पे मैं 10 लोगों के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। एक्चुअली एक को मैं जानता हूँ, इज द ट्रिप लीडर, वो मेरा काफ़ी पुराना दोस्त है। तो बट बाकी मैं 9 लोगों के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस एक्सपीरियंस, तो पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इस व्लॉग में, पता चलता रहेगा भाई। और ब्रांड का नाम भी बताऊँगा कि किसके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो अगर आपको भी कभी ट्रैवल करना हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ज़रूर ट्राई करना भाई। तो ये चाय मंगवाई थी जो बहुत ही बकवास है, और ये मंगवाया है चीज़ ऑमलेट, जिसको खा के मैं ट्राई करूँगा तो बताऊँगा भाई कैसा है, जिसमें मुझे चीज़ तो मिल नहीं रहा भाई। तो ये है चीज़ सैंडविच, चीज़ ऑमलेट सैंडविच, जो कि ठंडा है बिल्कुल, तो ऐसा लग नहीं रहा अभी बना है, नहीं क्या है इसका सिस्टम, बहुत ज़्यादा ठंडा है। और चीज़ हल्की हल्की पता चल रही है, ज़्यादा नहीं है, तो ओकेश मैं बोलूँगा इसको। तो मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा दूसरा रेस्टोरेंट ट्राई करना भाई। एक ही और मंगवाया, आलू प्याज पराठा, ये भी ठीक ठाक सा लग रहा है देखने में भाई, कैसा है खाने में? ऑमलेट से तो 10 गुना बेटर है, इसमें आलू भी और इसमें प्याज भी है। आलू भी है, चलो देखते हैं। मिर्ची है, सैंडविच तो बेहतर है, बट ठीक है सैंडविच खाने वही ऑमलेट लॉबस्टर मक्खन मक्खन आ गया, बिना मक्खन में पराठा होता नहीं है, तो मक्खन लगा था। भाई ने बजाया एडीएम वॉशिंग पाउडर निर्मा, तो इसमें नॉर्मल हो गया तेरा स्पीकर भाई, शक्तिमान भाई यार निंजा तो अलग लेवल गया यहाँ पे, मंत्र शक्तिमान जो ले भाई। तो जो पहला स्टॉप था, मतलब आज का आखिरी स्टॉप जो रहने वाला है, जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, जिसमें शायद आप कभी आए हो शायद ना आए हो, क्योंकि ये अनएक्सप्लोर्ड हिमालयाज है, तो सहरान में हम रुके हैं। मुझे नहीं पता आपने नाम सुना नहीं सुना, मैंने भी पहली बार सुना था। तो जिस होटल में हम रुके हैं सहरान में, ये मतलब छोटा सा, यहाँ पे जब हम जाते हैं तो गाँव है छोटा सा, और जहाँ पे हम रुके हैं वो है ये होटल, होटल स्नो व्यू, दे वेरी डिसेंट रूम्स। मैं रूम चेक कर चुका है, चेक इन वगैरह हो चुका है सबका, एंड 11 जने हम टोटल, तो 4 रूम्स हैं हमारे पास ट्रिपल शेयरिंग के हिसाब से, एक कपल है तो उनके एक रूम है। अभी मेरा थोड़ा सांस फूल रहा है कि मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ, नीचे था हमारा बेसमेंट में कमरा, एंड भाई से मिलवाता हूँ, ही इज़ अखिल, एंड He's very entertaining. He's very, very entertaining. Spontaneous and entertaining. But I can't catch up with his Hindi. Too fast. He's from Bangalore. But he knows 5 languages. ऐसा नहीं है हिंदी नहीं आती है, हिंदी आती है, तो ऐसा नहीं है मैं कुछ बोल दूंगा तो समझ नहीं आए ठीक है। वरना बहुत सारे साउथ इंडियन ना अभी, मतलब बहुत सारे, मतलब जैसे कभी कभार जैसे मैं अभी ट्रैवल कर रहा था दुबई में, तो जैसे स्पैनिश थे वो थे, बोल दो ब्लॉग में समझ में नहीं आता, बढ़िया एकदम तो समझ में आता भाई को, इज़ वेरी गुड। और जैसा कि मैंने बताया था, मैं 10 अननोन लोगों के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट टाइम जब ऐसा कुछ कर रहा हूँ मैं, ऑन दिस वाज वेरी स्पॉन्टेनियस फॉर मी, ऑफ ट्रैवलिंग ब्रदर, दैट्स द फन ऑफ ट्रैवलिंग, बिकॉज श्रुति हमेशा ट्रैवल करती है, इस बार श्रुति नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, अंकित नहीं है, दुवेन नहीं है, कोई नहीं है, मिसिंग देम गाइस, बट दिस इज ऑल्सो अ फन। देखते हैं इस ट्रिप पे, पूरी ट्रिप पे कैसा रहता है, इस जर्नी को फॉलो जरूर कर देना, वीडियो अब तक अच्छा लग रहा लाइक कर देना, अंदर जाके रूम दिखाता हूं, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तो यार हर यूट्यूबर का चलता ही रहता है, अंदर जाके रूम दिखाता हूँ। इट्स अ वेरी नाइस होटल, बहुत कोजी है और बहुत अच्छा है,
तो यहाँ पे अपना रिसेप्शन एरिया, यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है जहाँ पे अपना खा पी सकते हो। बट ऑब्वियसली जिसका इंतज़ार कर रहे हो कि व्यू कैसा है रूम से, और रूम कैसा है, रूम अच्छा है या नहीं है, मैं प्राइसेस भी बताऊंगा साहिल से पूछ के, मुझे प्राइसेस नहीं पता क्योंकि मैं सीधा एक बार रूम दिखाता हूँ पहले। तो दिस इज़ अ रूम 208 नंबर। सो दिस इज़ अ वेरी कोजी बेड, यहाँ पे एक मैट्रेस लग जाएगा तीन जनों के लिए, वैसे तो यहाँ पे भी सो सकते हैं। ये अपना थोड़ा डाइनिंग एरिया टाइप का है, सोफा वगैरह लगा है, टीवी लगा हुआ है। एंड ही इज अर्नव भाई। हेलो। ठीक है, बड़े भाई की तरह मेरे यहाँ पे। देखो देखो क्या क्या होता है अगले 6 दिन में, लिटरली बहुत प्यार मिलेगा इस बच्चे को। सीरियसली भाई बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं। ही इज फ्रॉम हिमाचल। और आई एम नॉट फ्रॉम हिमाचल, आई एम ऑल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, बट आई हैव बीन स्टेइंग इन हिमाचल फॉर द पास्ट 1 ईयर। ओह लिटरली। सो इनका इंस्टाग्राम है, एक बहुत काफी टाइम से चला रहे हैं इंस्टाग्राम का मेन जो आपका हैंडल है उसका नाम क्या है? सो माय इंस्टाग्राम इज द ETLR ब्लॉग, व्हिच बेसिकली स्टैंड्स फॉर ईट ट्रैवल लिव रिपीट। ओह माय गॉड। इसके अलावा मेरी कम्युनिटी भी है हायर हिमालयस करके। वेरी नाइस। तो मतलब भाई फुल फ्लेज्ड ट्रैवलर है जो मेरा सपना है बनने का लिटरली। बस तुम भी सही राह पे चल रहे हो, आपके साथ आ गया तो वही जाएगा। हां बस अभी देखो क्या क्या होता है। भाई तो ये है अपना एक ड्रेसिंग टाइप का एरिया, अलमीरा वगैरह दे रखे हैं, वॉशरूम है। वॉशरूम इज वेरी नाइस, मतलब सिंपल कोजी, शावर वगैरह दे रखा है, क्लीन है वॉशरूम, ऐसा कुछ ज्यादा गंदा वगैरह नहीं है, तो ऑब्वियसली इजी। और यहाँ पे अपनी बालकनी, एंड बालकनी भी मस्त है अपना, बढ़िया। नीचे बर्फ पड़ी हुई है, सामने बर्फ दिख रही है। जिसके लिए आया है, जिसके लिए आया है वो पूरा हो रहा है ना, और क्या चाहिए। इट्स रियली फन, यू शुड ट्राई इट भाई। तो बहुत अच्छा रूम है, कोजी है, कंफर्टेबल है, और क्या चाहिए एक यार ट्रिप पे भाई। तो अभी थोड़ा खाने बनाया है। ये सामने पहाड़ पे सारी बर्फ पड़ी हुई है, यहाँ का मंदिर है, अभी थोड़े टाइम में विजिट करेंगे, दिखाऊंगा मैं। और ये जगह है जहाँ पे हम मोमोज थुपका वगैरह मिल जाता है, चाउमीन है और टी कॉफी वगैरह, हम मोमोज वगैरह खा रहे, दिखाता हूँ कैसे। भाई ये आ गया अपने वेज मोमोज, यहाँ पे सिर्फ वेज मोमोज हैं, एंड ये साथ में जो सूप आता है, भाई भी कंटेंट बना रहा है बढ़िया, साथ में चटनी। ट्राइंग द मोमोज, नाइस, चटनी भी अच्छा, उतना ज्यादा तीखा नहीं है। जो दिल्ली में हमें बहुत ज्यादा तीखा चटनी मिलता है वो नहीं है, इट्स नाइस। और जो सूप मिला है, पानी ज्यादा है ना, दैट इज आल्सो नॉट सो स्पाइसी बट इट्स गुड, टेस्ट में अच्छा है। और ये तो भाई देखो अभी शुरू भी नहीं हुआ और खत्म हो गया, तो आप लगा ही सकते हो यहाँ सबको कितनी भूख लगी है भाई, खा के देखो भाई, खाओ। Hindi is a problem. Speak in English, na? Yeah, this is the fucking crazy moments. It's an amazing sauce. भाई तो ये बीप आ गया भाई बीच में. Cut, cut, cut. कोई नहीं. वेज मोमोज का फ्राइड वर्जन मंगवाया अभी हमने, वही सेम चटनी और ये रेड चटनी भी आ गई थी हमारी, जो दिल्ली में मिलती है, स्पाइसी है, और ये भाइयों का मामला मानना है कि भाई बहुत ज्यादा अच्छी है। तो मैंने भी ऑब्वियसली, हमने एक प्लेट ऑलरेडी खा चुके हैं, दूसरी प्लेट है जो मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। मेरा मन नहीं था ब्लॉग करने का सेकेंड, मतलब जब फ्राइड मोमोज आए थे मेरे को लगा बता दिया अच्छा है ठीक है, बट यार ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे, इसलिए भाई के कहने पे व्लॉगिंग कैमरा मैंने उठाया है और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो कभी यहाँ पे चक्कर लगे और आओ, और आना यार एक बार तो विजिट कर ही लेना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई। खा लो खा लो, खाओ भाई, इंतजार कर रहे हैं सारे ब्लॉग खत्म होने का भाई कि कब खाएं, तो सोचो इतना अच्छा है, तो आओ और एक बार रुको तो खाना ज़रूर। नाम बार दिखा दिया था, पीछे चले जाओ थोड़ा सा, वीडियो देख लो भाई। तो हम लोग टेम्पल आए हैं, यहाँ पे एक टेम्पल है ये देख लो, एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल टेम्पल है, भीमकाली का टेम्पल है, माँ भीमकाली का। और यहाँ पे जूते उतर उतार के फिर अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट? नहीं नहीं, यू आर नॉट देयर। ठीक है, तो भीमकाली टेम्पल है एंड सारा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे जूते वगैरह उतारने हैं, तो जूते उतारते हैं, लेट्स गो इनसाइड। जितना वीडियो बना पाऊंगा वो बना लूंगा,
बिकॉज आई डोंट नो टेम्पल है कितना अलाउड होगा वीडियो बनाना, कितना अलाउड नहीं होगा वीडियो बनाना. अंदर से ऐसा बना हुआ है, सामने वो देखो यार पहाड़, बर्फ दिख रही है सारी. भाई पहले सोच रहे थे यार रखना पड़ेगा कैमरा वगैरह, बट यहाँ पे लॉकर्स बने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो, इट्स वेरी सेफ. और सर भी यहाँ पे खड़े हुए हैं तो पूरी सिक्योरिटी है. तो रखा, अंदर दर्शन करके आए, और एक बार दर्शन करना तो बनता है, तो जब भी सारा ना हो दर्शन जरूर करना, बहुत ही पीसफुल दर्शन होंगे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रखा है. मैं भी अभी दर्शन करके आया हूँ, तो इट्स वेरी नाइस. और हर चीज़ मैं व्लॉग में नहीं दिखा सकता, ना अपनी स्टोरीज में दिखा सकता हूँ, ना रील्स में दिखा सकता हूँ, बट मोस्टली आपको दिखा देता हूँ. बट कुछ चीज़ें होती है ना, कैमरा अलाउड नहीं होता और हर चीज़ कैमरे में कैप्चर नहीं हो सकती, और कुछ चीज़ें आँखों से देखने पर ही महसूस होती हैं, तो उनमें से एक है. भाई देखो सामने सनसेट हो रहा है और बहुत प्यारा लग रहा है. ये जाली ना होती ना, बहुत मज़ेदार सनसेट दिखाई देता है यहाँ से. और यार बहुत अच्छा शेड लग रहा है. भाई भी वीडियोस वगैरह निकाल रहा है बढ़िया, इंस्टाग्राम बन रहा है. चलो रूम में चलते हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे जब तक, और फिर रात को तो पार्टी जाटी करेंगे, गेम शेम खेलेंगे, विल मेक इट अ ड्रिंक नाइट. भाई अभी थोड़ा क्लियर हो गया, उस समय जब मैंने रूम टूर दिया था तब था नहीं, तो आप सारी ऊपर रेंज देख सकते हो, सारी स्नो कैप माउंटेन से ढकी हुई है. थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो सारी स्नो कैप माउंटेन से ढकी हुई है. अमेजिंग. ओके तो भाई मैंने चेक किया है, 11